बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है दाल की रेसिपी। तो ये मैंने मसूर और मूंग की दाल लिए है, इसको 15 मिनट के लिए मैंने भिगोया है, अच्छे से वॉश करके फिर मैंने इसको भिगो लिया है। अब मैं इसके अंदर हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, और हाफ ही चम्मच नमक ऐड करूंगी। नमक स्वाद अनुसार ऐड कीजिएगा, और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो इन सबको मैंने पानी के अंदर ही ऐड कर लिया है। एक कटा हुआ बारीक प्याज, ये मैंने पालक को अच्छे से वॉश कर लिया है, एक मुट्ठी, दो हरी मिर्च और एक टमाटर, सबको बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने एक चम्मच ऑयल गरम किया, इसके साथ ही एक चौथाई जीरा का तड़का लगाया है। इसके साथ ही प्याज को ऐड करेंगे, प्याज को हल्का ही सुनहरा करेंगे। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने लिए है पालक, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब ऐड करूंगी, और दाल डाल के इसके अंदर एक प्याला पानी ऐड कर दूंगी। जिससे मैंने दाल भिगोई थी उसी से मैंने एक प्याला पानी लिया है, और दो सीटी आने तक पकाएंगे। तो ये हमारी दाल बनके तैयार है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसे फुल वॉच करें।